नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कल था 28 दिसंबर। 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में हम जानकारी लेने वाले हैं एक सम्यक तौर पे, और हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है और इसने किस किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी योगदान दिया है, अपना प्रमुख भूमिका निभाई है। तो देरी ना करते हुए आइए जरा देखते हैं, मैप से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कहां पर यह शुरुआत हुई है और कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्किप ना करिएगा, बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तत्कालीन बम्बई। बम्बई कहाँ पर है? ये बम्बई है, भारत के पश्चिमी तट पर है बम्बई, और अरब सागर का तट है यह बम्बई। एक प्राचीन प्रमुख बंदरगाह रहा है और यह भारत की वाणिज्यिक नगरी भी है। ठीक है, यह है बम्बई, भारत की वाणिज्यिक नगरी। भारत में अनेक अरबपति खरबपति यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर इनका कार्यालय है, ऑफिस है। कनेक्टिविटी फॉरेन से इसकी बहुत अच्छी है, चूँकि यह बंदरगाह भी है, एयरपोर्ट भी है, तो ट्रेडिंग पॉइंट है, यानी व्यापार का यह केंद्र है। तो यहीं पे स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 की, और स्थापना करने वाले में जो प्रमुख थे वो थे ए ओ ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, यह एक सिविल सेवा में अधिकारी थे, अंग्रेज यानी ब्रिटिश अधिकारी थे सिविल सेवा में। इनको अधिकारी होने के साथ साथ इनमें एक बहुत खासा योगदान है इन्होंने जो दिया है, यह पक्षी विज्ञानी भी थे, और इनको भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी किया कहा जाता है। किसको? ए ओ ह्यूम को। ठीक है, तो इन्होंने इसकी स्थापना की, और यह पहले जनरल सेक्रेटरी यानी पहले महासचिव भी थे। जब इसकी स्थापना हुई तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो बम्बई के एक कॉलेज में हुआ था। उस कॉलेज का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। क्या नाम है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और ये है कहाँ पर? ये है बम्बई में। इसके अध्यक्ष जो थे वो कहाँ से थे? कलकत्ता से लाए गए थे। कहाँ से थे? कलकत्ता से। और बहुत जाना माना नाम था कलकत्ता हाईकोर्ट में, बहुत बड़े वकील थे, नंबर वन वकील थे। नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। पेशे से यह क्या थे? वकील थे। ठीक है, तो पहला अधिवेशन जो हुआ वो 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में स्थापना हुई और पहला अधिवेशन हुआ। 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, तत्कालीन बम्बई, जो कि अब हो गया मुंबई। ठीक है, उसके बाद दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, महासचिव तो WC बनर्जी हो गए, अध्यक्ष थे, सॉरी महासचिव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी कहते हैं उनको इंग्लिश में, नाम था उनका ए ओ ह्यूम। और पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी। कहाँ से थे? वो कलकत्ता हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील थे WC बनर्जी। अगले वर्ष 1886 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन, वो हुआ कलकत्ता में, और उसके अध्यक्ष जो चुने गए वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है नरम दल के सदस्य हैं, गरम दल और नरम दल। इतिहास में यह जो कांग्रेस है वो दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो सेकंड जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। ठीक है, और थर्ड जो हुआ वो हुआ 1887 ईस्वी में। वो कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ, अब तो चेन्नई हो गया, वो तत्कालीन मद्रास था, 1887 ईस्वी में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मद्रास में अध्यक्षता की इन्होंने 1887 ईस्वी में तीसरे अधिवेशन में, इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 में चौथा अधिवेशन होता है और वह जो होता है वो होता है कहाँ पर, इलाहाबाद में। 1888 में कहाँ होता है, इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष चुने गए जॉर्ज यूले। तो चौथे अधिवेशन में एक ब्रिटिश थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे, उनका नाम था जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, कौन से नंबर का था, चौथे नंबर का था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर जो है सन 1907 ईस्वी में सूरत में एक अधिवेशन होता है जिसमें विचारों में आपस में मतभेद हो जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाती है। पहले दल को कहते हैं गरम दल और दूसरे दल को कहते हैं नरम दल। गरम दल में जो प्रमुख लीडर थे वो इस प्रकार से थे, बाल लाला और पाल, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, दूसरे थे लाला लाजपत राय, तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। इनकी मांग क्या थी, इनका मत क्या था, इनका मत था कि अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज ले लेना, यानी अपने हाथों में पूरी बागडोर ले लेना। दूसरा दल था नरम दल। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी शामिल थे। इनका प्रमुख मत क्या था, उनका मत था ये, ब्रिटिश राज्य में ही सुशासन मिल जाए हमको। ठीक है, ब्रिटिश राज्य में के अंतर्गत ही हमको क्या चाहिए, सुशासन चाहिए। ये नरम दल का मानना था। ठीक है, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में ये नरम दल और गरम दल अलग हो गए। उस समय 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की रास बिहारी बोस जी ने, सूरत में रास बिहारी बोस जी ने। फिर ये नरम दल और गरम दल 1916 ईस्वी में आकर के पुनः लखनऊ के अधिवेशन में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। 1916 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कहां पर, लखनऊ में, और इसकी जो अध्यक्षता थी किसने की, ए जी मजूमदार ने की, ए जी मजूमदार ने की। यहां पर नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ फिर कलकत्ता में। यहाँ पे अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, भारतीयों की हिमाकत करती थी, भारत में भारतीयों की हितैषी थी एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917, कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की, सिर्फ एक बार अपने जीवन काल में, सिर्फ एक बार 1924 में बेलगांव कर्नाटका में। उसके बाद 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने, वह भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हमने आपके सामने रखी हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।